हाँ जी, गुरु जी का तो हमेशा ही शुक्राना है। पहले जय जयकार कर लेते हैं उनकी, है ना। हाँ जी, गुरु जी की वाह वाही भी है जी। हाँ बस ये ना सबको पेटेंट हो गया है ना, हर बार वो एक लाइन वाह वाह गुरु जी, तन तन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो तो ऐसे है ना, रट रहे हैं, दिल से नहीं आ रहा। बस वो एक किसी ने स्टार्ट कर दिया तो अब वो सारे सत्संग में वही सेम चार लाइनें होती हैं, यू नो। ओके, बिल्कुल क्वाइट। अगर सेवा भी करनी है तो बिल्कुल शांति से, बिल्कुल नहीं आवाज। ओके, जय गुरु जी। हमारे गुरु जी ना, एक तो वैसे ही देखो आप चमक रहे हैं, ये फोटोशॉप गुरु जी नहीं है, ये ओरिजिनल गुरु जी है। हाँ जी, इसमें कोई फोटोशॉप नहीं है गुरु जी की हुई। एंड कहानी बता दो इसकी, है ना, बताते थे। अब गुरु जी को कहाँ जाना है, किस तरीके से गुरु जी ने ना अपनी जगह कहाँ बनानी है, वो खुद डिसाइड करते हैं। हम सोचे कि हम डिसाइड करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बात पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए दोनों जनों की, इशारों में बात करो। थैंक यू। सो जब 24 अक्टूबर को यहाँ पर जब दिवाली वाले दिन हमने बात बताई थी लास्ट टाइम कि पूरा दरबार जल गया था, यहाँ पर पूरी आग लग गई थी, तो गुरुजी का स्वरूप गद्दी सब यहाँ पर जल गया था। इस एरिया में पूरा घर ही पूरा काला काला हो गया था। प्लीज आवाज नहीं करनी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस। सुई भी गिरे ना, इतनी शांति होनी चाहिए कि सुई की भी आवाज आएगी। पीछे फिर भी मेरे को आवाज आ रही है कहीं ना कहीं से। पेशेंस बहुत जरूरी है। नहीं, आप वो मत बोलिए ना, आप भी चुप। हाँ ओके। तो जहां गुरु ने जब यहाँ पर, फिर वही बात है शुरू। आंटी आप भी प्लीज मत बोलो, आपको लंगर सबको मिल रहा है और किसी का फोन भी बज रहा है। एनीवे, सो जब उन्होंने जब यहाँ पर दरबार का सारा कुछ यहाँ पर जल गया, सब कुछ हो गया, तो इंसान सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जहां दरबार है तो वो जल कैसे सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और बट गुरु जी को पता था कि कितना कौन सा कष्ट आना है। आंटी आप फिर बातें करे जा रहे, इनको पहले लंगर दो। सो सबको मिल जाता है लंगर, सबको मिलेगा। जब ये दरबार जला तो हमें क्या पता कि अब क्यों जला, कैसे, वो तो गुरु जी को मालूम है कि किस तरीके से कौन सी चीज होनी है, कौन सी काली रात है और कैसे वो निकाली। वो कहते ना, हमें पाना मनना आना चाहिए। अगर दुख है, अगर सुख दिया है गुरु जी ने, तो दुख भी साथ में आएगा। अगर आप सोचोगे सिर्फ सुख ही सुख है मिलेगा, ये तो गलत बात होती है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म हमारे अपने हैं, गुरु के नहीं है। गुरु तो हमें सवारते हुए कर्मों को ठीक करने के लिए आते हैं कि चल इसका ये बैलेंस रहता है इसको ठीक करें, इसका ये बैलेंस रहता है इसको ठीक करें। सो इसी तरीके से जब उनको आना होता है, जब ये दरबार का सब हुआ, तो मैं भी बैठे सोची, मैंने कहा कि हाँ, बड़ा तस्वीर तो गुरु जी की जो स्वरूप होना चाहिए बड़ा सही होना चाहिए। और बस वो ख्याल उतर के आ जाता है कि ये जो स्वरूप है, ये मेरे को गुरु जी ने 2006 में दिया था और ये मेरा फेवरेट स्वरूप है। मतलब मैं किसी को दूं, मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं कभी गुरु जी का स्वरूप ऐसे दूं, और ये तो मेरे फेवरेट है। मतलब इसमें कितना जब सत्संग शुरू हुआ था तो यही स्वरूप लगाते थे हम, एक साल डेढ़ साल यही इनकी पूजा हुई हुई है संगत में, सत्संग में, तो 2007 से लेके 2009 तक। सो एक डेढ़ साल, फिर उसके बाद इनको फिर मैं अपने कम मतलब ले गई, और एकदम से ख्याल आया कि इनको मैंने भी छुपा के रखा हुआ है तो क्यों ना संगत के लिए। और मैंने इसको बोला, देख तेरे लिए मैं एक स्वरूप लेके आऊंगी, मेरे जान से प्यारा है, मैं मतलब ये वाला सारे स्वरूप ले लो, ये वाला स्वरूप देने में मेरे में ना बिल्कुल भी दिल नहीं था। सच्ची बता रही हूँ। और मैंने कहा अच्छा, फिर जो हुक्म होते हैं तो ये स्वरूप फिर यहाँ आया। और ये स्वरूप के अंदर आप देखोगे कि गुरु जी की जो एक्चुअल गुरु जी है,
इतना नूर ऐसे ही थे, इतनी चमक उनकी, उनकी नाक, उनके कान ऐसे ही शाइन करते थे। सो बाकी सब तो कई जगह फोटोशॉप किया ना, पूरा व्हाइट कर दिया गुरुजी को ताकि कोई कुछ नजर ना आए, बट गुरुजी की देखो रुए नजर आएंगे, उनके कट्स जो हील हो रहे हैं, जो उनको कष्ट लेते थे वो सब भी आपको नजर आएंगे। तो जिनको जहां जाना है, जब मैं यहाँ पर लेके आ रही थी ना, तब भी मेरे ना मैंने कहा यार गुरुजी देना बड़ा औखा है, बड़ा ही औखा लगता है, बट फिर मैंने कहा संगत निहाल हो जाएगी और संगत की संगत को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक सेकंड के लिए आ भी जाता है तो क्या हो गया, तो गुरुजी संगत के ही है तो संगत में ही उनको जाना है ना, मेरे अकेले के तो है नहीं। सो ये 2006 का स्वरूप गुरुजी ने मुझे भेजा था, क्योंकि मुझे उनको पता था कि मेरा फेवरेट स्वरूप है, तो एम्पायर स्टेट में पहले लगा करता था, तो मेरे मन में ना आता था कि ये मुझे मिल जाए घर के लिए, एक तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी और एक अपने घर में भी ऐसे वाले गुरुजी होने चाहिए ना, लाइव एकदम। सो ये भी फिर गुरुजी की मेहर से मुझे 2006 में गुरु भिजवाया, और देखो मुझे मैंने बताया किसी को नहीं, बट गुरु तो जान ही जान था, तो उन्होंने ये भेजा, उनको पता है ये मेरा फेवरेट वाला है, तो ये फिर मैं कहा आज यही लगना है दरबार में, और यही दरबार है गुरुजी का, और ये कमरा ही पूरा दरबार है, तो हमने बोला चलो गुरुजी आप ही मौज ले लो अंदर बैठे अकेले, आज आप ही निकलो सैर करने और यहीं पर टिक जाओ। सो जय गुरुजी ऑन दैट पार्ट की हम सोचते क्या है, हम करते क्या है और होता क्या है। तो और एक ना बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे सवाल संगत पूछती है कभी कभी कि कनेक्शन कैसे बनाए, हमें तो आता ही नहीं है, है ना। कोई मुझे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ मेडिटेशन कैसे करनी है, अब कैसे लिख के कोई बताएगा कि मेडिटेशन कैसे करनी है, कैसे कोई बताएगा कि गुरुजी से कनेक्ट कैसे करना है, कैसे कोई आपको बताए कि आपके प्रॉब्लम्स का हल कैसे मिलेगा, गुरुजी सुन भी रहे हैं या नहीं है। कई बार जैसे पूजा भी कहती है डोरे हो गए गुरुजी सुन ही नहीं रहे, दिखाई नहीं दे रहा क्या उनको, हमारे मामले में नहीं दिखाई देता, सब पता है उनको। सबसे पहली बात तो हम सोचते हैं कि हम मेडिटेशन कर लें या हम ऐसे कर लें, नहीं, जिस दिन गुरुजी की मेहर बरसेगी तो आपकी मेडिटेशन बैठे बैठे हो जाएगी, आप शब्द कीर्तन में ही जुड़ जाओगे, आप शब्द कीर्तन को जब अंदर लेके जाओगे, जो शब्द कीर्तन आप सुनते हैं, जैसे आज हमने सुना कि जीवन मरण तो उनके हाथ में ना, हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, तो जब वो सारी चीजें आप मानना शुरू कर दोगे, आपकी मेडिटेशन, आपका जुड़ना ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप सोचो आंख बंद करके बस सीधा गुरुजी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, कानों में आवाज आएगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। या कोई संगत को ढूंढता है, अरे आप तो ना गुरुजी से बड़े कनेक्टेड हो, जरा पूछ के बताना क्या जवाब होगा। देखा ये कोई हॉटलाइन नंबर थोड़ी ना, पहले जैसे स्पाई रूम में जाते ना, हेलो हेलो कॉलिंग और डायल करके, ऐसे थोड़ी ना होता है। सबका कनेक्शन अपना अपना है और सबने अपने तरीके से कनेक्ट होना है, चाहे वो एक मिनट बैठे, दस मिनट बैठे, और जो उनका हुक्म मानना है। और कई बार कई कहते हैं अच्छा जैसे कोई अस्पताल में पड़ा हुआ है या बेड पे है या बहुत बीमार है, तो कहते अरदास कर दो जी ठीक हो जाए। मैंने कहा ना, हम नहीं कर सकते वो अरदास जो हमें पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है। हम कोई कहता है आपकी अरदास सुनी जाएगी, देखो इनको शायद जीवन मिल जाए, मतलब हम पकड़ में बैठे होते हैं। नहीं, गुरु को ज्यादा पता है कि इसके लेखे में क्या है, गुरु को ज्यादा पता है कि इसको जीवन देना है, गुरु को ज्यादा पता है कि इसका कष्ट थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, उनको ज्यादा पता है गुरु जी को कि आज उनको उसके उसके कर्म खत्म हो गए तो मैं ले जाता हूँ। जब उन्हीं के हम हैं, तो अगर हम जीवन भी उनका है तो मरण भी उन्हीं का होना चाहिए ना, क्योंकि यही कहते हैं कि इसको कहते हैं कि हुक्म में रहना। हम अरदास से गलत लगाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ओ गॉड, जिसने जितना जीवन जी के जाना है उतना उसकी सांसें हैं, पर सबसे बड़ी कृपा गुरु जी की क्या है कि नॉर्मल जीवन में हमें पता ही है कि आज हॉस्पिटल में या कोई एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, किसी को जीवन दान मिल जाता है, बट
गुरु के पास आने का ये होता है कि हमें एक हिम्मत मिली रहती है। अगर आपकी बहुत नियर एंड डियर की कोई डेथ भी हो जाती है तो भी आपके माथे पे शिकंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने हुक्म में रहना सीख लिया। ये गुरु सिखाते हैं आपको। हम तो वही रोना पिटना शुरू कर देते हैं, अच्छा ऐ हो गया। वो कहते हैं ना, जिसकी बस सोई रह जाएगा। तो ये शब्द जब आप अपने अंदर लेके जाओगे, सिर्फ सुनना और वाह वाह कितना अच्छा शब्द है, और जब किसी अपने नियर डियर की डेथ हुई तो उतना ही जार जार रोना, क्योंकि आपकी अटैचमेंट इतनी ज्यादा है ना। तो गुरु आपको डिटैचमेंट सिखाता है। गुरु जी ने हमको ऐसे नहीं बोला, गुरु जी का प्रेम सबसे करो पर मोह नहीं रखना। प्रेम एक अलग चीज है और मोह एक अलग चीज है। तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि आप जिसको कहते हैं ना अटैचमेंट नहीं रखोगे, प्यार सबसे करोगे बट आपका मोह किसी से नहीं होगा। तो अगर किसी नियर डियर की डेथ भी होती है तो आपको दुख लगेगा पल के लिए, पर जार जार एक एक दो दो साल उनको बुला के रोना पिटना ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि जितना जीवन जिसने जी के जाना है उतना ही वो उसको मिलता है, और उसी को पाने में रहना है। और ये गुरु आपको सिखाते हैं। गुरु जी ने इतना अच्छे तरीके से आपको सिखाते जा रहे हैं कि मोह में नहीं फंसना। जितना मोह करोगे चीजों से अपनों से उतना ही दर्द आपको होता है, और फिर उस दर्द से बार बार कितनी बार गुरु जी निकालेंगे। यही तो गुरु जी समझाते हैं कि प्यार सबसे करो, ड्यूटीज अपनी सारी करो, सबके साथ करो, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं। यही तो आपने लेके जानी है ना चीज, बाकी सब जो चीजें यही रह जानी है, कपड़े भी यही रह जाने हैं। वो कहते हैं ना हर चीज यही रह जानी है, शरीर भी नहीं साथ जा रहा हमारा, हमारे जो मेकअप है वो भी नहीं साथ जा रहे हमारे हंसी की बात बता रही हूँ। सो ये सारी की सारी चीजें उनके चरणों में अर्पण कर दो। और क्या हमें अपने गुरु से अटैचमेंट नहीं थी? क्या गुरु को हमारे साथ अटैचमेंट नहीं थी? प्यार था। तो जब गुरु जी ने चोला छोड़ा हमें दर्द हुआ, बट एक बात साफ हो गई, जो दिल में बसता है उसको कौन मार गिराएगा। जो दिल में आके बस जाए और जो आपके रगो रगो में बस जाए तो उसको वो उनका जीवन क्या, उनका शरीर क्या, उनका शरीर ना होने का एक ही बात है। तो इसीलिए आज भी जब कोई कहते ना आप तो बड़े लकी है कि गुरु जी से मिले हैं, सब कुछ है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो कहते ना रूह से महसूस करो, वो ज्यादा जरूरी है ना। और इतना उनको महसूस करो कि आज भी देखो हम बैठे हैं तो कितना महसूस कर रहे हैं, हमको दर्शन नहीं दे रहे, फोटो है ना दर्शन के लिए। कोई मुझे मैंने कहा सामने आके बैठ जाएंगे ना हमारी हवाइयां उड़ जाएगी, मेरी भी। ऐसा नहीं है कि हो हमें सब पता लग जाएगा, नहीं, हमारी भी हवाइयां उड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि एहसास सबसे ज्यादा जरूरी है। आप घर में बैठो, चलते फिरते रोड पे जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब उनका एहसास आता है ना तो ऐसे लगता है वाह, मतलब परमात्मा आपके संग चल रहा होता है, गुरु आपके संग सदा है नाले, हमेशा चलते हैं वो हमारे साथ। तो उनका एहसास हमारे साथ चलता है, उनकी वाइब्रेशन हमारे अंदर होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि दर्शन नहीं हुए कि नहीं हो, तो मुझे बड़ा हो रहे हैं, मैं तुसी बड़े कंजूस हो गए, सपने बिच भी नहीं आते। मैंने सच में कहा, मैंने कहा यू हैव टू मच टू टेक केयर, यू नो यू कितनी संगत है, हाँ मैं भी लालची, यू नो हम क्यों लालची बने। उनकी मर्जी है, जब उनको आना होगा आ जाएंगे, जब उनको लगेगा अर्जेंट बेसिस है तो आ जाएंगे अभी इनकी लाइफ में कोई अर्जेंसी नहीं है। प्रॉब्लम्स जिंदगी में आएंगी और आती ही रहेंगी, आप ये मत सोचो कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ होगा, बट जिसके साथ गुरु है और जिसको विश्वास है कि उनके साथ गुरु जी है तो हंसते हंसते निकलता जाएगा। चाहे जो मर्जी हो, चाहे आज जॉब है किसी की, आज किसी के पास थोड़े पैसे है, किसी के पास ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव टू गो थ्रू। उतना ही लोग सोचते ना कि ये खुशी, ये मुस्कुराहट कैसी होती है, ये भी उनकी बख्शीश है कि इतनी दिक्कत के बावजूद भी इंसान हंसता मुस्कुराता अपना कारवां चलता रहता है जिंदगी का, ये भी एक बख्शीश है गुरु जी की। तो उसका शुक्र मनाना चाहिए कि किसी को पता नहीं लगता कि आपके जीवन में कितनी तकलीफ है, वो कहते हैं यार बड़े खुश नसीब है ये। हम क्यों खुश नसीब है? क्योंकि हम कहते हैं कि हम तो गुरु वाले हैं कि हमने मान लिया कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम, हमने मान लिया खुशियां है, हमने मान लिया दुख है, तो हमने दोनों चीजें एक समान मान के चल रहे हैं, तो इसलिए हम खुश रहते हैं, है ना।
कि सुख दुख तो आएंगे बट हमने गुरुजी हमें खुशियां देते हैं, सुख दुख तो चलेंगे, एक दिन आपको बड़े अच्छे पैसे मिल जाएंगे, दूसरे दिन नहीं यार गुरुजी एक भी रुपया नहीं आएगा, है ना। सब इंसान के साथ सबके जीवन में सब कुछ चल रहा होता है बट मुस्कुराते हुए निकलते जाओ और हंसते खेलते जब तक जीवन है, क्या पता कब तक जीवन है ना, उसको निकालते जाओ और दूसरों को भी मुस्कुराना सिखा दो, मुस्कुराहट है ना, मुस्कुरा दो भाई, पर मुस्कुराने दे सीमा तो भी मुस्कुरा दे ऑलवेज। हाँ हम इसके यहाँ गए थे शक्तिनगर सत्संग करने, मुझे याद आ गया सीमा गया, अब कितने साल हो गए अब तो 7-8 years हो गए है ना। हाँ और शक्तिनगर में हम गए, हम तो पहले घूमते ही रहते थे, आज भी हम घूमते ही हैं, कोई इधर बुला रहा है कोई उधर बुला रहा है, तो जब हम इसके यहाँ गए ना तो हमने सोचा इतना वो जैसे कहते ना भाव जहाँ होते हैं गुरु के, मतलब वो पागलों वाला भाव था इन लोगों का भी, ये लोग सारों का, वैसे यहाँ भी है ऐसी बात नहीं, सभी का होता है पर कई जगह ज्यादा होता है, भावरे से नहीं हो जाते जैसे, तो इनके यहाँ भी ऐसा ही था। और उस दिन अमृत वर्षा हुई थी, कहाँ जहाँ पर हमने लंगर रखा था वहां बड़ी अमृत वर्षा हुई, और लास्ट आई थिंक लास्ट सत्संग में भी हमारे आई थिंक रिम्पी के यहाँ भी बहुत अमृत वर्षा हुई, बड़े टाइम बाद देखी मैंने ऐसे ये यू नो धाराएं बहती हुई, यू नो बेचारी ने घर भी पेंट कराया था, मैंने कहा रहे तो काला ना करो दीवारों में, सो ये उनकी मौज है, गुरु की मौज ऐसे ही वो दिखाते हैं, कई बार खुशबू से, कई बार आपको एनर्जी से, आपको महसूस करने से, जब वो खुश होते हैं तो कैसे बताएंगे आपको, जैसे अमृत वर्षा हो गई, आपको बैठे बैठे ऐसे मुस्कुरा रहे हो, यू नो ऐसे करके उनको देख के, यू नो कैसे कैसे देख रहे हैं वो, आई मीन इमेजिन कितने खूबसूरत गुरु जी हैं, जैसे मैं कहती हूँ ना इंसान देख के दंग रह जाता है एकदम कि ये है परमात्मा, यू नो ये, तो उनको आज देखो वैसी खुशी होगी। तो ये सब गुरु जी के तरीके हैं अपनी संगत को प्यार देने के, आप ये सोचो ये गुरु जी के तरीके हैं, आपके जीवन में मुस्कुराहट लाते हैं आपके छोटे छोटे, आपको पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपने गुरु जी को कह दिया और जब वो कहते हो, जैसे वो कहते हो आपकी जो अंदर की बात है जब वो पूरी करते हैं तो आप सोचो कितनी आपको खुशी होती है, आप दूसरे को बताएंगे उसको नहीं होगी, पर जो आपको पता है आपको खुशी होती है ना वो वैसी नहीं। मेरे साथ तो हमेशा इंसिडेंट ऐसे ही होता है, मन में कुछ कह देती हूँ और उसके बाद सामने हो जाती है, तो मैं किसी को कहने लायक भी नहीं रहती, मैंने कहा गुरु जी यार बड़ी जल्दी सुन लेते हैं ये वाली चीज, यू नो। और बाकी चीजों में भी ऐसा होता है ना कि आपके जीवन में कुछ चल रहा होता है और जैसे चल रहा होता है तो एकदम से रोक लग जाती है, तो मैं सोचती हूँ चल ठीक है गुरु जी यू नो द परफेक्ट टाइमिंग, आपको पता है राइट टाइम पे राइट चीज करनी है, मैं अभी दिमाग क्यों खराब करूं, यू नो चाहे आपके बच्चों का करियर हो, आपके हस्बैंड का बिजनेस हो या आपकी वाइफ की हेल्थ हो, जो भी जनरल बात बता रही हूँ, जो भी आपकी लाइफ में, तो गुरु जी को पता है कि राइट टाइमिंग क्या है, तो इसलिए उनको क्वेश्चन नहीं करना, हमारा तो हुआ ही नहीं गुरु जी आप सुन नहीं रहे, हमारी किस्मत ही खराब है, सबसे पहले तो जो गुरु जी के पास आता है ना उसने बंद कर देना है, बोलना कि मेरी किस्मत खराब है, ये बोलना है कि मेरी किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी है क्योंकि मेरे पास मेरा गुरु है, क्यों, क्योंकि बाकी पास नहीं है, हमारे पास एक यू नो जिंदा दिल गुरु जी है हमारे, यू नो एक तो वैसे इतने अच्छे खूबसूरत और वैसी इतनी एनर्जी, इतना संगत को प्यार करते हैं कि दुनिया में कुछ हो ना हो मेरा गुरु मेरे संग है, मेरे परमात्मा मेरे संग है, तो मेरे पास सबसे बड़ा खजाना है, बाकी तो ठीक है छोटे छोटे लड्डू होते हैं। तो इसीलिए प्यार करो गुरु जी से और जो आपके जीवन में चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, अच्छा भी टाइम आएगा बुरा भी टाइम आएगा, हमारे कर्म भी अच्छे हैं हमारे कर्म भी बुरे हैं, हमें पता नहीं है कहाँ के कहाँ कर्म, कौन से कर्म कहाँ के हैं, कोई ज्यादा हमने तो जिंदगी में कोई बुरा कर्म किया ही नहीं है, किसी को बोला ही कुछ नहीं है, हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि हमको जैसे गुरु जी ने कहा अच्छा देखो पता है 10 साल पहले उस दिन उस घंटे में क्या किया था, हमें पता है हमें कख नहीं याद रहे, हमने कुछ कुछ किया हमें वो भी याद नहीं है, बट गुरु जी को ना सब पता है, उस घंटे उस पल उस मिनट उस सेकंड पे तुमने क्या सोचा, तुमने क्या कहा और
आपके जीवन में उस टाइम क्या चल रहा था। हम तो भूल ही गए, मुझे कोई 10 साल पहले गुरुजी बोले ना ये घड़ी पे इतने बजे क्या कर रही थी, हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा, पर गुरु के पास है क्योंकि सारी स्कैनिंग हो चुकी है, उनको सब पता है कि क्या क्या कर्म है। तो अपने कर्मों के हिसाब से हमको गुरु जी देते हैं, मतलब देते नहीं है, हमारे कर्म के हिसाब से हमें मिल रहा है, बट गुरु के हिसाब से हमें कई बार आपके कर्म भी कट जाते हैं, वो काट देते हैं इमीजिएटली। 4 तो इकट्ठे दे दिए, 4 वो इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे थे सच्ची बता रहे, और आने थे आपके जीवन में दुख 4 इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद। तो गुरुजी ने क्या किया, वो 2 साल के अंदर ही ना आज 4-5 जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स थी ना उन्होंने ना क्लब करके एक बार ही कर दी। तो उसके उससे क्या हुआ कि दर्द हो गया बहुत ज्यादा, ये क्या हो गया गुरुजी मेरे जीवन में, जैसे ही मैं आपके पास आई हूँ मेरे को तो और ही प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं पता कि गुरुजी ने आपके फटाफट कष्ट काटे हैं। ये तरीका है उनका, इकट्ठे होके यू नो कंपाउंडिंग होती है ना विदाउट इंटरेस्ट, ना पूरा करके बोलते खत्म हो गए साहब, अब फिर देखो गुरु जी के बारे न्यारे और नजारे, फिर नजारे ही नजारे है। तो आज ये जो बैठे हुए नजारे नहीं ले रहे, क्या ले रहे हो? सो इसलिए नजारे हम ले रहे हैं और खुशी खुश रहो बस, और मुस्कुरा दो। मेरे दांत में दर्द था आज फिर भी मुस्कुरा दाड़े निकलवा लो, बुढ़े हो गए, मुस्कुरा रहे सारे। एंड पूजा तू भी एक सत्संग करी थे छोटा सा, प्लीज कभी कभी अगर गुरु जी की सिफत चला देख कितनी सोनी बना देता है गुरु जी ने दिन में, सच में चमक रही है, चमक रही है ना, यही तो बात है, देख लो जब वीडियो देखेगी ना पता चलेगा कितना नूर चमक रहा है आज कसम से। जय गुरु जी, मुस्कुराते रहो, खुश रहो।